मेरे दोनों बेटे फुटबॉल के दीवाने हैं। बचपन में मेरे भी कई सपने थे फुटबॉल को लेकर, सारे अधूरे ही रह गए। जी हाँ, हाथी पांव। अगर बचपन में घर वालों ने ध्यान दिया होता तो इससे बच सकता था मैं। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी घर आकर दे जाती हैं हाथी पांव से बचने की दवा, वो भी मुफ्त में। हाथी पांव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। इसकी दवा साल में सिर्फ एक ही बार खानी पड़ती है। इसे सरकारी स्वास्थ्य कर्मी घर आकर दे जाती हैं पूरे परिवार के लिए। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। मेरे परिवार में अब और किसी को हाथी पांव नहीं होगा। और आपके? सुनील बाबू को किसी ने कभी हाँ बोलते नहीं सुना? मुंह छोटी कर दूं? नहीं 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 ना नहीं 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 ना 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 ओ नहीं माता जी नहीं। बाबूजी मेरे साइकिल नहीं। फिर एक दिन आई आशा दीदी लिए हाथी पांव की दवा। हाँ जरूर, अभी इसी वक्त। अरे हाथी पांव की दवा लाई है? हाँ तो बोलूंगा ही। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की सुनिए और इनके सामने ही परिवार के सब लोग खाइए हाथी पांव की दवा। इसे साल में बस एक ही बार तो खाना है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। तो क्या समझे, दवा को बोलो हाँ और हाथी पांव को ना। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी, खुद को बोलिएगा ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए, ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा।